भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर आप सभी को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। औथरी नगर पंचायत के चेयरमैन पद के भाई प्रत्याशी डॉक्टर धर्मेंद्र साथ राजू के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर आज शनिवार को केसरी चौक पर केक काटकर बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर भाजपा के भावी प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद ने केक काटकर खुशी जाहिर की, साथ ही लोगों को सेवा भाव का संदेश दिया तथा एक दूसरे को देश के प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की बधाई दी। धर्मेंद्र निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व में भारत को एक अलग पहचान दी है। आज देश में सफाई से लेकर गरीबों की दवाई तक व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिन्होंने विश्व में पूरे देश का नाम ऊंचा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर रमेश सिंह रामो, प्रधान प्रतिनिधि दीपक सिंह, धर्मपाल सिंह, राम बुझारत यादव, दिनेश मदेसिया, सूरज सिंह सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसा सुनाते हैं कि नगर पंचायत चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद राजू ने क्या कुछ कहा। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आप लोग मनाए हैं, इसके बारे में बताइए। आज हम लोग देश के 80वें प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी का 72वां जन्मदिन मनाए हैं और बड़े धूमधाम से मनाए हैं और एक दूसरे को केक खिला करके खुशियां अपनी जाहिर की है। और हम चाहते हैं ऐसे प्रधानमंत्री देश की लगातार सेवा करते रहें और देश और विदेश में अपना नाम ऊंचा करते रहें, हमारे देश का नाम ऊंचा करते रहें। और हम लोग आशा करते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी इसी तरह से देश की तत्पर सेवा करते रहें।